ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैदर आजम ने आज मुंबरा में मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन की मांग बीजेपी की अल्पसंख्यक महिला मोर्चा विकास समिति के अध्यक्ष रिदा रशीद ने की थी, ताकि मुंबरा शहर के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इस सेंटर का उद्घाटन रिबन काटकर हैदर आजम ने किया है। इस मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन में आपको बता दें कि 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को 50% अंक पिछली कक्षा में प्राप्त किया है और माता पिता को वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है तो स्कॉलरशिप के हकदार हैं। जो बेगम हजरत महल कौमी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 2019 और 2020 के स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस सेंटर में ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा और महिलाओं के लिए बचत गट भी है। हैदर आजम ने जानकारी क्या दी है इसके बारे में। इस ऑफिस से आज जिसका उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर मौलाना आज़ाद माइनॉरिटीज़ फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो हमारी स्टेट की स्टेट का महामंडल है, उसके जितने स्कीम्स हैं, चाहे वो एजुकेशन लोन का है, बिजनेस लोन का है, महिला बचत गट के लिए है, और भी जो योजना हम आने वाले दिनों में शुरुआत करने जा रहे हैं और जो अभी हमारा चल रहा है, उन सब का यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन मुंबरा के लोग कर सकते हैं। इसकी आज से हमने शुरुआत कर दी है। उसके अलावा जो केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप बच्चों के लिए, पहली से लेकर 9th के बच्चे, 9th से 12th के बच्चे, और केंद्र सरकार की अलग अलग स्कॉलरशिप योजना है, और यहाँ तक कि जो मुंबरा में आपके स्कूल कॉलेजेस हैं जिसको हमारी राज्य सरकार भी फंड देती है उनको डेवलप करने के लिए, और केंद्र सरकार भी लगभग 25 लाख से लेकर के 2 करोड़ रुपये का माइनॉरिटी मंत्रालय की मदद से उनको सहयोग मिलता है, तो वो भी एप्लीकेशन यहाँ से किया जा सकता है। हमारे अधिकारी रहेंगे हफ्ते में 2 दिन, जो उसकी पूरी जानकारी देंगे, और यहाँ के जो लोग रहेंगे उनको हम ट्रेन कर देंगे ताकि हमारे अधिकारी ना भी रहे तो वो अच्छे ढंग से उस, यानी मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन से मिलने वाले फ़ायदे को हासिल करने के लिए मुंबरा में खोले गए सेंटर मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन में आवेदन देकर आप हर सुविधा पा सकते हैं और इसका लाभ 6 समुदाय के लोग, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय ले सकते हैं। महिलाओं के लिए यहां पर बचत गट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।